इसके आप सब वेलकम टू सीमा व्लॉग आप लोग के साथ में आज मैं एक चीज शेयर कर रही हूँ वो क्या <laughs> बहुत ही अच्छी एक चीज मेरा भाई मेरे लिए आज खाना बना रहा है और क्या बना रहा है गोलू क्या बना रहा? बना रहा रहा है मशरूम विराट देखो अच्छा, अच्छा, अच्छा सब लोग बनाना ये विराट कोहली जैसा नहीं लगता गोलू <laughs> गोलूल और ये जो है गोलू का दोस्त <laughs> इसका नाम है छोटू बट बड़ा लगता है ना ये दोनों मशरूम रेडी हो चुका है अभी आप लोगों के साथ में कभी ना रेसिपी शेयर करेंगे रेसिपी कब शेयर करोगे 26 को ये देखो मेरा लल्ला आ गया लल्ला गोदी गोदी तो गोलू बना रहा है देखो ये मटर ये क्या है गोलू मटर अच्छा हमको पता ही नहीं था अच्छा मटर नहीं देखते <laughs> सारा दिन बेचारा फोन चलाएगा और फिर मेरे लिए खाना भी बना रहा है मैंने कहा आज गोलू मुझे बनाकर खिला दो मशरूम ये गोलू का दोस्त गोलू गोस्तोला भी गया कृष्णा मामू क्या बना रहा है ये गोलू का छोटू भी फेमस हो रहा है <laughs> लला ए लला इधर आइएगा गोलू इसे बेलन पूछना बेलन ये किसका है बताने का खा के बताएंगे आप लोगों को कि कैसा बना है वैसे तो अच्छा बनाता है तीन बार बना चुका है और अभी आज मम्मी कुछ चीज़ें निकाल रही थी तो हम लोगों ने कुछ बर्तन वर्तन निकाले हुए थे वो क्या करने हैं ना उनको एक्सचेंज करने हैं तो मम्मी कैसे निकाल के रख लेते हैं इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को किचन में बहुत सारे बर्तन दिख रहे होंगे चलो मैं कंटिन्यू करती हूँ थोड़ी देर में ठीक है सो गाइज यहाँ पर गोलू ने सारे मटर और जितने भी मशरूम वगैरह जो भी चीज़ें थी उनको फ्राई कर लेता है फिर बनाता है तो उसकी रेसिपी इसके साथ शेयर करूंगी मैं ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर शेयर किया हुआ है आप लोग चाहें तो ट्राई कर सकते हैं बहुत ही अच्छी होती है और ठंडियों में जितना आप मशरूम खा रहे हैं मटर खा रहे हैं गोभी खा रहे हैं बेस्ट है क्योंकि ना गोभी और मटर मशरूम में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है और आपके बालों के लिए बहुत अच्छा होता है हेयर फॉल हो रहा है आप गोभी खाइए गोभी के पराठे खाइए आलू मटर के पराठे खाइए आलू मटर के पराठे भी बहुत टेस्टी लगते हैं अगर आप लोग को नहीं पता है तो बताना मैं आप लोग के साथ में इसकी रेसिपी शेयर कर दूँगी और देखो कितना मतलब यमी यमी सा लग रहा है इसका और मशरूम मटर का बिरयानी भी बनता है जो कि बहुत टेस्टी होता है तो मशरूम मटर की बिरयानी खाइए अब यहाँ पर चाय रख दिया था मैंने तो चाय भी बन चुकी थी तो मैंने कहा चलो अब चाय वाय पी लेते हैं तो बस हम लोग चाय ही पी रहे थे और यहाँ पर गोलू ने ये चॉप करके रखा हुआ था टमाटर और धनिया मैंने कहा लो मैं कर देती हूँ तो कह रहा नहीं दीदी तुम जाओ अपनी वीडियो बना लो तो पूरा फुल सपोर्ट देते हैं यहाँ पर ये लोग कहते हैं तुम अपना वीडियो बनाओ तुम वीडियो बनाने आई हो यहाँ पर वीडियो बनाओ मैंने कहा वीडियो बनाने नहीं आई हूँ तुम लोगों के पास घूमने आई हूँ और फिर कृष्णा का एडमिशन करा देंगे तो कृष्णा का एडमिशन होने के बाद से तो फिर आना होएगा ही नहीं क्योंकि मैं आऊँगी आशीष के साथ फिर आशीष के साथ ही चली जाए करूँगी क्योंकि एडमिशन कराना इनका है मार्च में इनका एडमिशन हो जाएगा तो बस देखते हैं एडमिशन कब होगा इनका बस भगवान करे यार करोना अरोना सब चला जाए माता रानी की दुआ से आप लोग हनुमान जी से प्रे करिए हनुमान चालीसा का पाठ करिए है ना सारे लोग फ्री हो जाएं क्योंकि कोरोना ने ना हालत खराब कर रखी है पूरी दुनिया की तो बस पानी डाल देंगे और सीटी बनी और नानी के पास आई हैं और नानी को पहचान कर ली है ये ना तो नानी कहाँ है, तुम्हारी नानी है। नानी कहाँ नानी को पूछी कर दो अच्छा नानी को आप पेट कैसे करते हो सुनो सुनो मेरी बात तो सुनो सो गाइज सब्जी बन रही है मतलब मशरूम बन रहा है मैंने कहा चलो आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लेते हैं देखो मैंने अपना ना एक नया सीरम बनाया है जैसे ओपन पोर्स होता है ना किसी किसी को तो उसके लिए बनाया मैंने बट मुझे ओपन पोर्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है माता रानी की दुआ से क्यों नहीं है क्योंकि मैं प्राइमर यूज नहीं करती हूँ मेरी एज आप लोग को पता ही है सत्ताईस अट्ठाईस साल की है ठीक है बट मुझे कोई भी ओपन पोर्स की प्रॉब्लम नहीं है आप देख सकते हैं क्योंकि मैं प्राइमर का कभी प्रयोग नहीं करती यूज़ नहीं करती हूँ तो मैंने ये सीरम बनाया हुआ है आप लोग के साथ में इसकी रेसिपी शेयर करूंगी और ये देखो बिल्कुल मार्केट जैसा दिख रहा है ना ठीक है तो शेयर करूंगी दूसरी चीज़ ये कि मैं ना अपनी आई लैशेज के लिए और अपनी ये जो फ्रंट लाइन होती है हमारी बहुत ज़्यादा चौड़ी हो जाती है ब्रॉड हो जाती है ना उसके लिए मैं ये सीरम ट्राई कर रही हूँ तो अभी आप लोगों ने बोला ना दीदी फरवरी से स्टार्ट करिएगा जो वन ईयर का चैलेंज है इसलिए मैंने इसको बनाया है उसको मैं ट्राई कर रही हूँ फिर मैं आप लोग के साथ में शेयर करूँगी और देखो मेरी जो क्रीम मैंने आप लोग के सामने शेयर करी थी इतनी ख़त्म होने वाली है फिर बनाऊँगी नया चिया सीड वाली आप लोग भी बनाकर यूज़ करो रिज़ल्ट हैं बहुत अच्छे मेहनत करोगे तो रिज़ल्ट आएंगे नहीं करोगे तो कुछ नहीं आएंगे है ना और देखो कृष्णा ने स्टडी करी थी कृष्णा ने आज क्या बनाया है ट्री तो बहुत बिजी हूँ मैं इतनी ज़्यादा लाइफ बिजी है ना कि बस पूछो मत हाँ कृष्णा के लिए मैंने यहाँ पर तो, ट्यूशन लगवा दिया है इनकी ट्विटर आती है वो पढ़ाती है इनको बट क्या बच्चों के साथ में लगना पड़ता है माँ को भी है ना तो मेरी जो है ना अग्नि परीक्षा शुरू हो चुकी है अभी से और अब इनका मार्च में एडमिशन करा दूंगी सारी एक्टिविटी तो बहुत ज्यादा झंझट रहती है काम की भी टेंशन बहुत रहती है अभी मेरी तबीयत भी खराब हो गई थी बीच में बाकी फिलहाल मैं अभी ठीक हूँ आप लोग की दुआएं हैं ब्लैसिंग्स हैं आप लोग इतना प्यार देते हो मुझे कुछ हो ही नहीं सकता है चलो मैं चाय भी लेती हूँ फिर आप लोगों से बात करती हूँ ठीक है बाय गुड मॉर्निंग अभी से मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया देखो कृष्णा कितनी सफाई करता है भी क्या पियोगे जो जो मैं पियोगे अच्छा चलो पहले कपड़े पहन लो बेटा देखो यहाँ पर सब लोग क्या कह रहे हैं संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे Upan-upan lagi kira Ini दीदोस दीपा दी ये ये उर्वी को दे दोगे आप, <laughs> आप। क्यों? नहीं क्यों दीदी नहीं आपकी अच्छा नहीं दोगे ये आपका कपड़ा है उर्वी को दे देना आशीष चौटी के माध्यम से प्यार करते हो माँ से ओ उर्वी से प्यार करता है कैसे मिला अच्छा बोलो हैप्पी हैप्पी मकर मकर संक्रांति संक्रांति बाय बाय लड्डू खाया पहले खाया आपने अब नहीं मैंने खा, लिया. खा लिया।, लिया और ना लिया बाय नहीं रुकी तो पहले कपड़े तो पहने खड़े हो खड़े हो गए कपड़े पहन लो बेटा मैं तो आपको कपड़े पहना रही बस मैं सोच रही कि कि कपड़े अच्छे से पहन लो ठंडी ना लगे आपको तो ठंडी बहुत है आज ठीक है आ जाओ लगा लो ना एक मांग था छोटा सा और वो बोलता था कल कटिंग दिला देंगे कृष्णा की फिर कृष्णा दादी के पास जाएगा दादी के पास नहीं जाओ क्यों दादू के पास जाओगे दादी तो कह रही थी कृष्णा कब आओगे मैं तो आपको पाल करती हूँ। मैं तो मैं पाल नहीं करना अच्छा ठीक है तुम्हें पाल नहीं करना ठीक है नहीं करना कोई बात नहीं मंडे तंदी मंडी थर्सडे 30 30 70 ठीक है इस ना रुक जाइए प्लीज तंदी म जय हनुमान जय हो प्रभु हो आज क्या है संडे मंडे नहीं आज, आज सैटरडे है टूडे सैटरडे <laughs> फिर फिर, फिर, फिर हैं। है ना सब कुछ तो आप फिर चल के ऊपर खेल लेना है ना और फिर मम्मा ऊपर आपको धूप में लेके चले जाएगी नहीं देखो कुछ कुछ को आगे ना नहा करके धूप पुर में लेके चल जाएँ हाँ तुम्हें पिलाऊंगी ना और ही पिला दूँगी सेवेंटी दर इन अवेंज दिन दिन

गुड मॉर्निंग मेरी भी थोड़ी सी सबकी नहीं है कोल्ड हुआ पड़ा है बट फिर भी मुझे पैक लगाना है क्योंकि पैक नहीं लगाऊंगी ना तो बस हो जाएगा काम और देखो कितनी कितने छोटे छोटे हेयर आ गया मेरी हेयर कितनी फिल हो रही है मेहनत करने से फर्क पड़ता फर है चलो मैं पैक बना लेती हूँ फिर लगाती लगा दूँ आपको कल वाला पैक है सो so गई वहां से मैंने ब्लॉग को बंद कर दिया था क्योंकि मैंने शूट नहीं किया था फिर मैंने मकर संक्रांति वाले दिन थोड़ा सा शूट कर लिया था पंद्रह तारीख को और ये आपका आज का ब्लॉग है जो मैं यहाँ पर पैक लगाने जा रही हूँ आप लोग के साथ में शेयर किया था और आज है मंगलवार ठीक है तो आप लोग को समझ में भी आ जाएगा क्योंकि अगर डे हम बता देते हैं आप लोग को तो आप लोग समझ में आता है कि दीदी किस तरीके से करती हैं और आप लोग देखिए मेरे बालों की कंडीशन कितनी अच्छी है अभी बाल मेरे कितने अच्छे से भर चुके हैं थिक हो चुके हैं और दिल्ली जाते ही मेरे हेयरफॉल होना शुरू हो जाते हैं फिर उनको ठीक होने में टाइम लग जाता है दस पंद्रह दिन बीस दिन मतलब टाइम लग जाता है क्योंकि चीज़ें जल्दी से सूट नहीं होती ना पानी वहाँ का अच्छा नहीं है इस वजह से तो बस वही है कि हाँ पानी का बहुत फ़र्क पड़ता है पानी अगर अच्छा है तो आपके बालों की जो समस्या है ना वो आधी ख़त्म हो जाती है और फिर उसके बाद आप आधी केयर करते हैं तो आपके बाल पूरे तरीके से अच्छे हो जाते हैं तो बस मेहनत करिए मेहनत का रिजल्ट आता है है ना मुझे भी दुख होता है बट क्या है कि हाँ आप लोग के साथ में जब मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी शेयर करी हुई हैं लाइक नाइट हेयर पैक है टॉनिक है रिंस वाटर है शैम्पू है टोनर है बहुत सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ में शेयर करी हुई हैं अभी आपका काली मिर्च का हेयर ऑयल शेयर किया हुआ है तो वो तो अच्छी तरीके से सभी जगह सूट करेगा पानी अगर अच्छा नहीं है तो आप उसको लगाते तो भी आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं तो मैंने यहाँ पर वही वाला हेयर पैक लिया हुआ है जो मैंने आप लोग के साथ में शेयर किया था कल के वीडियो में बहुत अच्छा पैक है हफ्ते में तीन बार इसका एप्लीकेशन करिए मैंने अपने बालों में कोई ऑयल नहीं लगाया है बस टोनर लगा लिया था टोनर लगाने के बाद छोड़ दिया था मैंने उसको तो बस वही अच्छे से कॉम कर लिया है सुबह में रात में ही टोनर लगाया था सुबह में मैंने टोनर नहीं लगाया है क्योंकि कृष्णा की तबीयत ठीक नहीं है मेरी मुझे भी कोल्ड हो रहा है तो मैंने टोनर का एप्लीकेशन नहीं किया हुआ है जो बात सही है वो सही है मैंने थोड़ा सा टोनर बनाया हुआ है और टोनर भी मैंने का का और आपका काले मिर्च और अदरक का बनाया हुआ है तो मैं आप लोग के साथ में ये वाला जो टोनर है शेयर कर दूँगी और मैं एप्लीकेशन करने वाली हूँ अपने बालों में कलौजी का काली मिर्च का और अदरक का हेयर ऑयल ठीक है तो ये ऑयल के वीडियो मैं आप लोग के साथ में डाल दूंगी क्योंकि मैंने इस ऑयल को बनाया है दस से बीस दिन के लिए क्योंकि फरवरी से हम लोग चैलेंज स्टार्ट करने वाले हैं तो हम फरवरी से अपना वही चीज़ यूज़ करेंगे जो कि हमारे चैलेंज में इंक्लूड होगा ठीक है तो बीस दिन के लिए मैंने ऑयल प्रिपेयर करके रखा हुआ है तो उस ऑयल की वीडियो आ जाएगी तो अपने वालों को सुखाने के बाद धोने के बाद पैक लगाने के बाद मैं वही ऑयल का एप्लीकेशन करने वाली हूँ पूरे बीस दिन मतलब हफ़्ते में तीन बार हम एयर वॉश करते हैं तो पूरे बीस दिन मेरा जो तेल है वो चल जाएगा आराम से मैंने पाँच सौ एम ऑयल बनाया हुआ है ठीक है तो मैं आप लोग के साथ में ये वाला ऑयल शेयर कर दूँगी मैं चाह रही हूँ कि जो छोटे छोटे बेबी हेयर है ना वो जल्दी से ग्रो हो जाए है ना जो जो बाल जहाँ जहाँ नहीं है थिकनेस कम है तो वहाँ पर बाल बेबी हेयर आ जाए उसके बाद से हम लोग चैलेंज करेंगे वन ईयर का फरवरी से तो फरवरी में जो ऑयल शेयर करूंगी तो वो आपका ऑयल जाएगा तीन महीने तो फरवरी मार्च अप्रैल एक ही तेल चलेगा फिर उसके बाद से चेंज होगा तो आप लोग भी इस तरीके से ही करिएगा है ना और आप लोग सारा सामान अपना मंगा कर रख लीजिए जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं तो आप लोग भी स्टार्ट करेंगे तो फ़र्क अच्छे पड़ेंगे और मैं अपने बालों को सात से आठ इंच काटूंगी भी जिससे कि बाल अच्छे से ग्रो हों है ना तो आप लोग के साथ में फरवरी के शुक्ल पक्ष जब डेट शेयर करूँगी तो उसमें मैं अपने बालों की ट्रिमिंग भी करूँगी तो आप लोग भी कर लीजिएगा क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि बाल मोटे घने हो जाए क्योंकि बालों को खोल कर तो मुझे शो ऑफ करना नहीं होता है मैं बाल कभी खोलती ही नहीं हूँ तो इसलिए मैं अपने बालों को कट करूँगी थोड़ा सा ज़्यादा कट करूँगी और उसके बाद से हम ग्रो करेंगे और आप लोग के साथ में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ शेयर करूँगी जैसे आपका पीनट मिल्क हो गया आलमंड मिल्क हो गया है ना तो बहुत सारी मिल्क शेयर करूँगी जो कि हमारा एक और जो मिल्क होगा वो हमारा दो महीने चलेगा फिर ऐसे ही करके चेंज होता रहेगा तो सारा डाइट शेयर करूँगी तो वहाँ पर पैक लग गया है एक दो घंटे बाद मैं इसको धो लूँगी है ना तो चलो मिलती हूँ थोड़ी देर बाद में बाल धो लिया मैंने पैक लगा लिया था वॉश कर लिया है मैं मिलती हूँ आप लोगों से कल के ब्लॉग में बाय